हेलो स्टूडेंट, कल्याणी हाई सेकेंडरी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है संविधान शासन व्यवस्था राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उत्तरदायित्व के बारे में। तो उत्तरदायित्व को इंग्लिश में कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें आपको मैं पढ़ाऊँगा कि उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएँ क्या है और इसके प्रकार क्या हैं, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। देखिए पहले इसका अर्थ क्या होता है। तो जो उत्तरदायित्व शब्द होता है, तो यह अंग्रेजी भाषा के अकाउंटेबल से मिलकर बना है, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में इसको उत्तरदायित्व को अकाउंटेबल नाम दिया गया है। और यह शब्द 1553 से प्रयोग में लाया गया था, जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में तो जो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश होता है, तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में इसको कारण बताओ उत्तरदायी होने के कारण इसे बाध्य कहा जाने वाला के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा में अकाउंटेबल शब्द, ठीक है, तो अकाउंटेबल का हिंदी अर्थ बताया गया था उत्तरदायी, और यह शब्द 1953 से प्रयोग में लाया गया था। और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है या ऑक्सफोर्ड शब्दकोश होता है, तो उसमें इसका अर्थ क्या बताया है, तो उसमें इसका अर्थ होता है कि कारण बताओ और उत्तरदायी होने के लिए बाध्य कहा जाने वाला के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता था। फिर आगे देखिए इसमें, तो किसी व्यक्ति पर कुछ कार्य करने या न करने की जिम्मेदारी ही उत्तरदायित्व कहलाता है। तो उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उत्तरदायित्व क्या है, तो किसी भी व्यक्ति पर कार्य करने या न करने की जो जिम्मेदारी होती है उसे ही हम उत्तरदायित्व कहते हैं। तो आप अपने दैनिक या दैनंदिनी बहुत सारे कार्य करते होंगे, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन बहुत सारे कार्य करते हैं। अब आपके घर वाले आप पर कुछ उत्तरदायित्व सौंपते होंगे, आपको कुछ जिम्मेदारी भी देते होंगे, तो आप उनको बखूबी निभाते भी होंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर यही हमें पढ़ना है लोक प्रशासन में भी उत्तरदायित्व क्या है। तो जब आपका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन के बाद जिस पद पर आप कार्य करेंगे, तो आपके कुछ उत्तरदायित्व होंगे, आपके कुछ जिम्मेदारी होगी, और जिम्मेदारी पूर्वक आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही हमको इसमें भी पढ़ना है। तो देखिए इसमें, तो उत्तरदायित्व से आशय है कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने के व्यक्ति की बाध्यता, ठीक है। फिर इसके आधार पर जो व्यवस्थर कोष होता है, तो व्यवस्थर कोष के अनुसार इसका अर्थ क्या है, तो देखिए, तो व्यवस्थर कोष के अनुसार उत्तरदायित्व का अर्थ है कि कारण बताने के लिए बाध्य करना। आ रहा समझ में? अगर आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो आपको ईमानदारी से वह कार्य करना है और आप उस कार्य करने के लिए बाध्य हैं। तो इसमें व्यवस्थर कोष में यही कहा गया है कि कारण बताने के लिए बाध्य करना। फिर इसके बाद में एक विद्वान है जिनका नाम है हेमन, तो हेमन ने कहा है कि उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपने प्राधिकारों के इच्छित कार्य को करने का बंधन होता है। ये इन्होंने कहा है हेमन ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये इन्होंने इसकी परिभाषा दी है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि कार्य सत्ता व उत्तरदायित्व समान रूप से साथ साथ चलते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो कार्य होता है, सत्ता होती है और उत्तरदायित्व, तो ये हमेशा समान रूप से साथ साथ चलते हैं। और संगठन के निम्न स्तरीय कार्मिक अपने कार्य संपादन के लिए प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर इसके बाद में प्रबंधन लक्ष्य प्राप्ति व संगठन संचालन के लिए संगठन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जो प्रत्येक कार्मिक होते हैं, तो प्रत्येक कार्मिक के दो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होते हैं। तो याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जितने भी कार्मिक होते हैं संगठन में, उनके दो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व कौन से होते हैं। तो पहला होता है निष्पादन उत्तरदायित्व और दूसरा होता है वित्तीय उत्तरदायित्व। तो निष्पादन उत्तरदायित्व को परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है और वित्तीय उत्तरदायित्व को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। अब पहला देखिए इसमें निष्पादन उत्तरदायित्व, तो निष्पादन उत्तरदायित्व क्या है, तो इसमें देखिए कि प्रत्येक कार्मिक को अपने कार्य का इस प्रकार निष्पादन करना चाहिए कि लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति हो। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी कार्मिक जब कार्य करे, तो उसका परिणाम अच्छा होना चाहिए,
ठीक है, जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। फिर इसके बाद में दूसरा होता है वित्तीय उत्तरदायित्व। तो इसमें क्या होता है, तो वित्त संगठन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और लोक वित्त का सदुपयोग प्रत्येक कार्मिक की जिम्मेदारी होती है। तो जितने भी संगठन में कार्य करने वाले कार्मिक होते हैं उन सभी की जिम्मेदारी है कि जो लोक वित्त है, मतलब जो सरकारी पैसा है, सरकारी वित्त है, सरकारी खजाना है, इसका सदुपयोग करना है आपको, ठीक है। और अगर इसके कारण या कार्मिकों के कारण राजकोष को हानि पहुंचती है तो फिर इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। फिर उत्तरदायित्व की अवधारणा प्रशासकों की उस बाध्यता को दर्शाती है जिसके अंतर्गत उनको अपने कार्य निष्पादन का और उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग के ढंग का संतोषजनक लेखा जोखा देना होता है। इसके बाद फिर इसका मुख्य लक्ष्य गलत और मनमाने प्रशासकीय कार्यों को रोकना और प्रशासकीय कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड, उत्तरदायित्व के बारे में। अब इसके बाद आगे देखिए, सत्ता और उत्तरदायित्व में अंतर संबंध। तो सत्ता एवं उत्तरदायित्व में किस प्रकार का संबंध होता है ये देखिए इसमें। तो देखिए इसमें जो सत्ता होती है, तो सत्ता को प्राधिकार भी कहा जाता है। तो सत्ता एवं उत्तरदायित्व के संतुलन की आवश्यकता होती है। तो यदि किसी प्राधिकारी को बिना उत्तरदायित्व के सत्ता दे दी जाती है तो स्थिति खराब हो सकती है। और यदि उत्तरदायित्व के निर्वाह की अपेक्षा के बिना सत्ता दे दी जाती है तब भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। और संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व जिस प्राधिकारी के पास होता है वह प्राधिकारी तब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता जब तक उसको उत्तरदायित्व के अनुकूल सत्ता प्राप्त न हो, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास सत्ता तो है परंतु वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति वह नहीं कर सकता, क्योंकि उस सत्ता का प्रयोग वह ऐसे स्थिति में संगठन के हित में न करके वह अपने व्यक्तिगत हित में करने लगेगा। तो इसलिए दोनों का संतुलन होना जरूरी है। तो जितनी सत्ता होगी उतना उसका उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, और जितना उत्तरदायित्व है तो उतनी उसको सत्ता भी प्रदान की जानी चाहिए। अगर किसी को उत्तरदायित्व बहुत सारे दे दिए जाएं और सत्ता ना हो तो वह कार्य नहीं कर पाएगा। वो सत्ता बहुत अधिक है किसी व्यक्ति के पास और उत्तरदायित्व उसके कुछ भी नहीं है तो वह फिर संगठन के लिए हानिकारक है। तो इसलिए दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी होता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर इसी पर आधारित फेयोल के विचार हैं। तो फेयोल कहते हैं कि सत्ता और उत्तरदायित्व अंतर संबंधित और समानुपातिक है, और इन्होंने कहा है कि सत्ता को उत्तरदायित्व से अलग नहीं समझा जा सकता। उत्तरदायित्व सत्ता का सहज फल होता है और यह इसका एक नैसर्गिक या प्राकृतिक नतीजा और एक प्रतिमूर्ति भी है। और जहां जहां कहीं भी सत्ता का प्रयोग होता है उत्तरदायित्व भी उत्पन्न होता ही है। तो ये इनका कहना है फेयोल का। इसके बाद फिर सत्ता एवं उत्तरदायित्व में घनिष्ठ संबंध होता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब अतः सत्ता किसी उत्तरदायित्व को पूरा करने का माध्यम है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड, दोनों के बीच में संबंध है इस प्रकार से। तो एग्जाम में आपसे 5 नंबर में यह पूछा जा सकता है कि सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच अंतर संबंध, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे उत्तरदायित्व की विशेषताएं। तो पहली विशेषता देखिए इसके उत्तरदायित्व की कि यह कार्य को निष्पादित करने के संबंध में एक बंधन होता है। आरा समझ में, मतलब जो भी व्यक्ति संगठन में कार्य कर रहा है तो उसको अपने कार्य की परफॉर्मेंस अच्छी रखना है और ये एक प्रकार से बंधन ही होता है। इसके बाद फिर दूसरी विशेषता यह है कि यह बंधन नैतिक और कानूनी दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तीसरी विशेषता इसकी होती है कि यह अधिकारी और अधीनस्थों के औपचारिक संबंधों से उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद में अगली विशेषता इसकी होती है कि उत्तरदायित्व अहस्तांतरित प्रकृति का होता है। फिर इसके बाद में अगला इन्होंने बताया कि उत्तरदायित्व विशिष्ट या सामान्य प्रकार का हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। फिर इसके बाद में
अगला आता है कि उत्तरदायित्व के साथ अधिकार अवश्य होते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि यह सत्ता के साथ जुड़ा होता है। फिर इसके बाद में यह सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का एक आधार होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगली विशेषता इसकी यह है कि यह संगठन को कार्य निष्पादन के प्रति जवाबदेह बनाता है। और अंत में इसकी विशेषता है कि यह उच्चस्थ द्वारा, मतलब जो उच्चाधिकारी होता है तो उच्च अधिकारी के द्वारा नियंत्रण पद्धति को सार्थक बनाता है। तो ये इसकी विशेषताएं होती है उत्तरदायित्व की। तो ये भी आपसे 5 नंबर में पूछी जा सकती है। तो अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाए कि उत्तरदायित्व की विशेषताएं बताइए, तो ये विशेषताएं आपको लिखनी होगी। फिर इसके बाद में आगे देखिए इसमें उत्तरदायित्व के प्रकार। तो उत्तरदायित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये देखिए इसमें। तो पहला प्रकार होता है जन उत्तरदायित्व। अब ये जन उत्तरदायित्व क्या है, तो देखिए इसमें कि एक प्रशासनिक संस्था का यह दायित्व है कि वह लोक कल्याण को प्राथमिकता दे, मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करे, और जनहित में कार्य करना वह उत्तरदायी स्वरूप ही संस्था के स्थायित्व में वृद्धि करते हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि पेशेवर या व्यावसायिक उत्तरदायित्व। तो प्रत्येक व्यवसाय के कुछ न कुछ सिद्धांत अवश्य होते हैं, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर मापदंड, इसके बाद में मान्यताएं और नैतिकताएं होती है। ये सभी संगठनों में ऐसा होता है। तो जितने भी व्यवसाय होते हैं या जितने भी संगठन होते हैं, तो उन सभी में हम देखते हैं कि सिद्धांत होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं और नैतिकताएं होती हैं। और उस व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक हैं, उन कार्मिकों को इनका पालन करना जरूरी होता है। तो जो भी सिद्धांत है, जो भी मापदंड है, जो मान्यताएं हैं, जो नैतिकताएं हैं, इनका पालन कार्मिकों को करना ही पड़ता है। फिर इसके बाद में अगला प्रकार आता है राजनीतिक उत्तरदायित्व। तो इसमें देखिए क्या होता है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिज्ञों के उत्तरदायित्व सुनिश्चित होते हैं। तो इसमें जितने भी राजनीतिज्ञ होते हैं सबके उत्तरदायित्व बिल्कुल फिक्स है। और भारत के लोगों के द्वारा जिन्हें चुना गया है, ठीक है, और चुनने के बाद में इन्हें सत्ता प्राप्त हुई है, तो ये जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं, ये जनता के प्रति उत्तरदायी भी रहते हैं। तो जनता ने जिन लोगों को चुनकर भेजा है, तो उन लोगों का यह उत्तरदायित्व है कि वे जनता के प्रति उत्तरदायी रहें। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर मुख्य कार्यपालिका, मतलब मंत्रिपरिषद के रूप में अपने प्रत्येक नीति कार्य के लिए ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जितने भी नेता होते हैं, ठीक है, मंत्री होते हैं, ये सब संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे कार्यगत उत्तरदायित्व। अब कार्यगत उत्तरदायित्व में क्या होता है, तो संगठन में जब भी किसी कार्मिक को कोई कार्य सौंपा जाता है या सुपुर्द किया जाता है, तो उसके लिए किए गए प्रयासों व प्राप्त परिणामों का लेखा जोखा कार्मिक द्वारा प्रबंधक को प्रस्तुत करना होता है, और ये लेखा जोखा ही उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है प्रकार संस्थागत उत्तरदायित्व। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो प्रत्येक संस्था का यह उत्तरदायित्व है कि वह उद्देश्य उन्मुखी नीतियों के तहत ही गतिविधियों का संचालन करें और प्रदत्त सत्ता का उपयोग कार्यरत कार्मिकों के समग्र विकास और लक्ष्य प्राप्ति के लिए करें। और सत्ता का व्यक्तिगत हित ही या सत्ता का व्यक्तिगत हित की बजाय सामुदायिक हित के संवर्धन में प्रयोग करना चाहिए। यह होता है संस्थागत उत्तरदायित्व। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है नैतिक उत्तरदायित्व। तो यह किस प्रकार का उत्तरदायित्व होता है, तो इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र, व्यक्ति के आचरण और उसकी सत्य निष्ठा से होता है, और प्रत्येक व्यक्ति पर आत्मनियंत्रण स्थापित करता है नैतिक उत्तरदायित्व। तो आप भी अपने जीवन में महसूस करते होंगे कि जब भी आप कोई गलत कार्य करने के लिए कदम उठाते हैं, तो आप खुद अपने आप में सोचते हैं कि नहीं नहीं ये कार्य ठीक नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो ये अपने आप को नियंत्रण रखते हैं इसके लिए, इसके माध्यम से हम, तो ये होता है नैतिक उत्तरदायित्व, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्रशासनिक प्रक्रिया में उत्तरदायित्व के 3 प्रकार होते हैं। तो प्रशासनिक प्रक्रिया में 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला प्रकार होता है इसमें राजनीतिक उत्तरदायित्व, दूसरा होता है
संस्थागत उत्तरदायित्व और तीसरा होता है पेशेवर या व्यावसायिक उत्तरदायित्व। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में उत्तरदायित्व के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब राजनीतिक उत्तरदायित्व क्या है, तो इसमें जितने भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद के प्रति ये लोग उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद फिर संस्थागत उत्तरदायित्व, तो संस्था में जितने भी कार्य करने वाले कार्मिक होते हैं ये सभी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, संस्था के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद फिर जो पेशेवर व्यावसायिक होते हैं या पेशेवर या व्यावसायिक उत्तरदायित्व होता है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जितने भी व्यवसाय के बारे में आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रत्येक व्यवसाय के कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी कार्मिक होते हैं, तो उन सभी कार्मिकों को उन सिद्धांतों का पालन करना होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो पांच नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में उत्तरदायित्व के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। और अगर तीन नंबर में पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, राजनीतिक उत्तरदायित्व और संस्थागत उत्तरदायित्व और पेशेवर उत्तरदायित्व, ये तीन हेडिंग आपको लिखनी होगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें प्रत्यायोजन से संबंधित उत्तरदायित्व, तो प्रत्यायोजन से संबंधित दो प्रकार के उत्तरदायित्व हो जाते हैं, एक होता है इसमें संचालन उत्तरदायित्व और दूसरा होता है अंतिम उत्तरदायित्व। अब पहला क्या है संचालन उत्तरदायित्व, ये देखिए, तो पहला है कि यह अधीनस्थों को सौंपा जा सकता है, संचालन उत्तरदायित्व, और दूसरा है अंतिम उत्तरदायित्व, तो यह उत्तरदायित्व अधीनस्थों को नहीं सौंपा जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए प्रशासनिक प्रक्रिया में उत्तरदायित्व, अब जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है तो उसमें उत्तरदायित्व किस प्रकार का होता है, ये देखिए, तो उत्तरदायित्व निर्धारण की प्रक्रिया में लोक प्रशासकों के समक्ष कुछ पहले से ही या पूर्व अपेक्षाएं होती है। तो पूर्व अपेक्षा का मतलब क्या है, तो पहले से ही निश्चित कुछ अपेक्षाएं होती है जिसको हम पूर्व अपेक्षाएं कहते हैं। तो ऐसे कुछ पूर्व अपेक्षाएं हैं, तो देखिए इसमें पहली अपेक्षा क्या है, तो आवश्यकता के अनुसार नई नीतियों की सिफारिश और पहले से विद्यमान नीतियों तथा कार्यक्रमों में परिवर्तन का प्रस्ताव। फिर इसके बाद में दूसरा है कि सरकार की प्रशासनिक संस्थाओं में जनसाधारण के विश्वास को बढ़ाना या उसको बढ़ावा देना। फिर इसके बाद में तीसरा इसमें होता है कि न्यूनतम क्षति की संभावनाएं होनी चाहिए। तो जितने भी लोक प्रशासक होते हैं तो उनसे ये अपेक्षाएं की जाती हैं कि अपने कार्य करते समय वे न्यूनतम क्षति की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, ठीक है, मतलब कार्य करते समय क्षति न हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर इसके बाद में अगली अपेक्षा इनसे की जाती है कि वैध और सुसंगत प्रशासनिक स्वविवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये लोक प्रशासकों से ये अपेक्षाएं की जाती हैं उत्तरदायित्व के निर्धारण की प्रक्रिया में। फिर इसके बाद में आगे देखिए इसमें, तो किसके प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे, तो पहला देखिए इसमें कि आंतरिक पद सोपान के प्रति उत्तरदायित्व। तो पद सोपान का मतलब क्या हो जाता है, तो पदों की एक सीढ़ी होती है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो पद सोपान होता है तो उसका आकार इस प्रकार से होता है, तो इसमें जो टॉप पर होता है इसमें एक अधिकारी होता है, ठीक है, जो भी उच्च अधिकारी होगा, और उसके अधीन कुछ कार्य करने वाले अधीनस्थ होंगे। तो जो भी इसके अधीन होंगे तो इनका ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सबसे नीचे है ए, फिर ये बी, फिर ये सी और फिर ये डी। तो ए किसके प्रति उत्तरदायी है, बी के प्रति, बी किसके प्रति उत्तरदायी है, सी के प्रति, और सी किसके प्रति उत्तरदायी होगा, डी के प्रति। तो ऐसे इसमें आंतरिक पद सोपान के प्रति उत्तरदायित्व पाया जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा हो जाता है कि विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। तो विधायिका मतलब जो कानून निर्माण की एक संस्था होती है, ठीक है, तो विधायिका हम केंद्र के स्तर पर संसद को कहते हैं, राज्यों के स्तर पर हम राज्य विधानमंडल को कहते हैं, तो विधायिका के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है। फिर इसके बाद में अगला जाता न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक है, तो न्यायपालिका के प्रति भी उत्तरदायित्व हमको, या जो
सरकारी संगठन में कार्य करने वाले होते हैं तो न्यायपालिका के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, फिर नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व भी होते हैं कुछ। तो इसमें हम देखते हैं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनका नागरिकों के प्रति भी उत्तरदायित्व होते हैं। फिर इसके बाद में जनसंपर्क माध्यमों के प्रति भी उत्तरदायित्व, तो ये इतने उत्तरदायित्व होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद आगे देखिए, उत्तरदायित्व पर नियंत्रण के साधन, तो उत्तरदायित्व पर नियंत्रण के साधन कौन कौन से होते हैं ये देखिए इसमें। तो सत्ता को सुनिश्चित करने के लिए या सत्ता सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी साधन होता है नियंत्रण। तो चाहे सरकारी संगठन हो चाहे निजी संगठन हो, नियंत्रण बहुत जरूरी होता है और प्रभावी नियंत्रण से ही उत्तरदायित्व निर्धारण में आसानी होती है। अगर नियंत्रण ठीक से नहीं होगा तो संगठन में जो कार्य करने वाले कार्मिक हैं वे ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे और सब अपने मनमानी करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए संगठन में प्रभावी नियंत्रण का होना बहुत जरूरी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए नियंत्रण के कुछ साधन हैं। तो नियंत्रण के साधन निम्नलिखित है, जिसमें पहला साधन होता है विधायी नियंत्रण के साधन, ठीक है। तो विधायी नियंत्रण के साधन, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसमें कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली पर विधायिका का सीधा नियंत्रण नहीं होता बल्कि मंत्रिपरिषद के माध्यम से होता है और यह नियंत्रण प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। तो इसके कुछ प्रकार होते हैं ये देखिए इसमें। तो पहला प्रकार होता है कि विधि व नीतियों का निर्माण करके, आ रहा समझ में। तो पहला नियंत्रण क्या है, तो विधि निर्माण करना या नीति निर्माण करना। अब विधि कैसे बनाई जाएगी, कानून कैसे बनाया जाएगा, तो ये संसद के माध्यम से बनाया जाता है या संसद के द्वारा इसे बनाया जाता है। अब संसद में किसको किसको शामिल किया जाता है, तो लोकसभा को, राज्यसभा को और राष्ट्रपति को, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है संसद, ठीक है। तो यह संसद विधि का निर्माण करती है या फिर कानून का निर्माण करती है। और जो नीति होती है, तो नीति तो हमारी सरकार के द्वारा ही निर्मित की जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रश्न पूछकर या बहस के द्वारा नियंत्रण करना। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करेंगे, मतलब हमारे जो मंत्री होते हैं तो उन मंत्रियों को नियंत्रित कैसे किया जाएगा, तो संसद में इनसे प्रश्न पूछकर। फिर इसके बाद में अगर कोई भी इन्होंने कार्य किया है तो उस कार्य से संबंधित बहस भी संसद में की जा सकती है, तो इस आधार पर इन पर नियंत्रण किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला होता है इसमें स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव का अर्थ क्या हो जाता है, तो इसमें संसद की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जो भी आवश्यक कार्यवाही होती है या कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी होता है, तो इसको संसद की कार्यवाही को रोककर जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसको कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। फिर इसके बाद में अगला आता है निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव में क्या होता है, तो निंदा प्रस्ताव में सरकार की निंदा की जाती है और यह प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव यह भी विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, अगर यह संसद में पास हो जाता है, मतलब लोकसभा में पास हो जाता है, तो सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मतलब जो भी सत्ताधारी दल है तो उसकी सरकार चली जाएगी अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया तब, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें बजट लेखा परीक्षण। अब बजट लेखा परीक्षण, तो जो बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें हमारे वित्त मंत्री के माध्यम से विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की जाती है। फिर इसके बाद में सीएजी के द्वारा इसका परीक्षण भी होता है, मतलब जो भी खर्चे होते हैं सरकार के द्वारा जो भी कार्य करने में खर्च किया गया है, तो इस पूरे खर्च की ऑडिटिंग करना, इसका अंकेक्षण करने का काम कौन करेंगे, तो ये हमारे सीएजी करते हैं। सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएजी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में इनको कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है।
तो भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, इन विभागों के द्वारा जितना भी पैसा खर्च किया जाता है, तो इसके पूरे अंकेशन, इसका पूरा ऑडिटिंग करने का काम हमारे सीएजी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि संसदीय समितियां होती हैं। तो हमारी संसद की कुछ समितियां हैं जिसमें प्राकलन समिति और लोकलेखा समिति, तो इनके माध्यम से भी हमारी सरकार पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सब क्या है, तो ये सब विधायी नियंत्रण के तरीके होते हैं, विधायी नियंत्रण के साधन होते हैं। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, कार्यपालिका नियंत्रण के साधन। तो कार्यपालिका नियंत्रण के साधन कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए इसमें, तो पहला हो जाता है राजनीतिक मुखिया व राजनीतिक निर्देशन। तो हम देखते हैं कि जो कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका मतलब कि जो मुख्य रूप से कार्य करती है। अब कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका में हमारे प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और अस्थायी कार्यपालिका में हमारे जो राजनीतिक होते हैं या जो राजनीतिक नेता होते हैं या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले प्रतिनिधि, इनको अस्थायी कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। अब इसके बाद में फिर जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, इसके भी दो प्रकार हो जाते हैं, एक नाममात्र की होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो जो वास्तविक नाममात्र की कार्यपालिका होती है, उसमें हमारे राष्ट्रपति केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर राज्यपाल होते हैं। फिर इसके बाद में वास्तविक कार्यपालिका में केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री और उनके अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है और राज्यों के स्तर पर हमारे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। तो उधर केंद्र में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका क्यों कहा गया है, क्योंकि वास्तव में कार्य यही करते हैं। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति का कार्य तो सिर्फ हस्ताक्षर करना होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ वे हस्ताक्षर करने का कार्य करते हैं किसी भी विधेयक पर। ठीक है, इसलिए उन्हें नाममात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इसमें एक राजनीतिक मुखिया होगा, मतलब हमारे केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों के स्तर पर राजनीतिक मुखिया हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। फिर इसके बाद में राजनीतिक निर्देशन भी इसमें होता रहता है, मतलब समय समय पर निर्देशन हमारे प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री निर्देशन समय समय पर देते रहते हैं। फिर इसके बाद में अगला जाता बजट आवंटन। तो बजट भी केंद्र सरकार प्रस्तुत करती है और राज्यों की सरकार भी प्रस्तुत करती है, तो बजट के माध्यम से भी नियंत्रण किया जाता है। फिर इसके बाद में तो कैसे नियंत्रण करेंगे, क्योंकि जो बजट पेश किया जाता है सरकार की ओर से, तो उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में किस योजना के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, तो ये सब बजट में वर्णन किया जाता है। फिर इसके बाद में नियुक्ति एवं निष्कासन। तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है, तो उनकी नियुक्ति की जाती है और निष्कासन भी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जब किसी भी अधिकारी की अगर उम्र पूरी हो चुकी है तो उसे रिटायरमेंट दिया जाता है, फिर उसके स्थान पर नए अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, और अगर फिर वह अधिकारी ठीक से कार्य नहीं करता है तो उसका निष्कासन भी कर दिया जाता है। इस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आता है प्रदत्त विधि निर्माण। अब प्रदत्त विधि निर्माण के अंतर्गत क्या क्या हो जाता है, तो इसमें आदेश को शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में परिपत्र को जारी किया जाता है, अधिसूचना को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब को इनमें शामिल किया गया है। फिर इसके बाद में आता है अध्यादेश। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो केंद्र के स्तर पर हमारे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत ये अधिकार प्राप्त है, और राज्यों के स्तर पर राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब अध्यादेश क्या होता है, तो अध्यादेश का मतलब होता है कि जब संसद का सत्र नहीं चलता है या राज्यों में जो हमारे विधानमंडल होते हैं इसका सत्र नहीं चलता है, और उसी समय अगर कानून बनाने की आवश्यकता महसूस होती है, तो उस समय फिर हम देखते हैं कि केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति और राज्यों के स्तर पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसमें वही शक्ति होती है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आता है लोक सेवा आचार संहिता। अब लोक सेवा आचार संहिता क्या होती है, तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो इनके लिए एक आचार संहिता होती है।
ठीक है, ये उनको उसके दायरे में रहकर कार्य करना पड़ता है, ये उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो उदाहरण के लिए जैसे जो लोक सेवा आचार संहिता होती है तो इसमें प्रावधान होता है कि कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। इसके बाद फिर कोई भी अधिकारी सरकारी संपत्तियों का व्यक्तिगत तौर पर उसका उपयोग नहीं करेगा, ठीक है, और भी तमाम प्रकार के प्रावधान इसमें होते हैं जिससे हम लोक सेवा आचार संहिता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यह कार्यपालिका नियंत्रण के साधन समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद फिर आगे आ जाता है न्यायिक नियंत्रण के साधन। अब न्यायिक नियंत्रण के साधन के अंतर्गत क्या क्या होता है ये देखिए। तो न्यायिक नियंत्रण के साधन में पहला हो जाता है संविधान संरक्षण। तो संविधान का संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो संविधान का रक्षक या कस्टेडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का संरक्षक हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। फिर इसके बाद में हमारा सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अपील सुनता है। तो संविधान से संबंधित अगर कोई मामला है तो उनकी अपील भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनी जाती है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है सरकार के विरुद्ध वाद। इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर सरकार के द्वारा कोई गलत कदम उठाया जाता है तो सरकार पर भी वाद लाया जा सकता है। तो ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में किया गया है। तो अनुच्छेद 300 में प्रावधान है कि सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति पर वाद लाया जा सकता है या सरकार पर भी वाद लाया जा सकता है। वाद का मतलब होता है केस, हरा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर अगर मान लीजिए कि सरकार पर कोई केस किया जाता है तो उसकी सुनवाई कहां पर होगी, सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो केंद्र सरकार का मामला है तो वह कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, और अगर राज्य सरकार का कोई मामला है तो राज्यों के हाई कोर्ट में जाता है केस। फिर इसके बाद में अगला जाता है सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध वाद। तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी भी गलत कदम उठाता है तो उस पर भी केस किया जा सकता है, उसकी भी सुनवाई फिर कहाँ होगी, कोर्ट में होगी। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे न्यायपालिका के द्वारा, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाया गया जो भी कानून होता है या बनाई गई जो भी विधि होती है उसका अवलोकन हमारा न्यायालय कर सकता है, जिसको हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारी न्यायपालिका को प्राप्त है और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय को ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो 5 प्रकार की रिट क्या होती है, तो 5 प्रकार की रिट या लेख, जिसमें पहला नाम आता है बंदी प्रत्यक्षकरण का, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार प्रच्छा, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा होता है प्रतिषेध। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत होता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है जनहित याचिका, PIL, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा न्यायालय या हमारी न्यायपालिका किसी भी याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय तक नहीं जा सकता, ठीक है, तो वह अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी मामले को या याचिकाओं को न्यायालय तक पहुंचा सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ और मान लीजिए कि न्यायपालिका, मतलब हमारे न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे राज्यों के हाई कोर्ट ने, तो न्यायालय को अगर न्यायाधीशों ने पेपर के माध्यम से किसी जानकारी को प्राप्त किया है तो उसे भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर हमारे न्यायाधीश न्यूज़ चैनल पर भी सुन लें या जो भी टीवी चैनल होते हैं उन पर देख लें, ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है तो उसे न्याय देने के लिए हमारे न्यायाधीश उसको जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हैं और उस पर न्याय देते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब न्यायिक सक्रियता क्या होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि न्यायपालिका दिन प्रतिदिन सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करती जा रही है। तो इसमें क्या होता है, तो अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है, सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे जनता नाराज होती है,
तो ऐसे कार्यों में हमारी न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है और सरकार से पूछती है कि आप ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं या ऐसी कौन सी योजना चला रहे हैं जिसकी वजह से जनता नाराज हो रही है। ठीक है, तो जब हमारी न्यायपालिका इस प्रकार से हस्तक्षेप करती है तो इसको कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला नियंत्रण आता है प्रशासन पर नियंत्रण। तो प्रशासन पर जन नियंत्रण, तो यह किस प्रकार से होता है ये देखिए इसमें। तो पहला हो जाता है कि संसदीय निर्वाचन प्रणाली। अब जो भी जनप्रतिनिधि होता है या जो भी नेता होता है तो इसको कौन चुनती है, तो इनको हमारी जनता चुनती है। ठीक है, तो इसमें फिर अपन देखते हैं कि जैसे 5 साल पूरे होते हैं तो अगर सरकार ने कार्य ठीक किया है, मतलब जो सत्ताधारी दल है, तो सत्ताधारी दल ने अगर सत्ता में रहते हुए अच्छे कार्य किए हैं तो जनता उन्हें फिर से चुन लेती है, और अगर उन्होंने ठीक से कार्य नहीं किया तो जनता उन्हें हरा देती है। हरा समझ में? तो चुनाव प्रणाली के माध्यम से इन पर नियंत्रण रखा जाता है। फिर इसके बाद में नागरिक अधिकार पत्र, जिसे सिटीजन चार्टर हम कहते हैं। इसका मतलब होता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं, तो इसके लिए एक पत्र की घोषणा की गई है जिसको हम नागरिक अधिकार पत्र कहते हैं, सिटीजन चार्टर कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी सरकारी न्यायालय, जो भी सरकारी कार्यालय होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, तो उसमें एक सिटीजन चार्टर बना रहता है। तो उसमें जनता के क्या क्या अधिकार हैं वो उसमें सब स्पष्ट लिखा रहता है, जिसे हम सिटीजन चार्टर कहते हैं। तो व्यक्ति उस सिटीजन चार्टर को पढ़ने से समझ जाता है कि इस कार्यालय में कौन कौन से कार्य होते हैं और यहाँ हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको RTI कहते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इसमें क्या होता है, तो इसमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार जनता को दिया गया है। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा सरकारी कार्यालयों से सूचना मांगी जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी आम जनता को प्राप्त है 2005 से। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है नागरिक समाज। तो कुछ सिविल सोसाइटी भी होती है जो जनता के लिए कार्य करती है और ये भी प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है स्वयंसेवी संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो कुछ स्वयंसेवी संगठन भी होते हैं जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। तो ये कुछ प्रकार हैं फ्रेंड जो आपको याद रखना होगा, या कुछ साधन हैं जिनके माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आता है संगठन में प्रबंध के द्वारा नियंत्रण। तो संगठन में प्रबंध के द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है ये देखिए। तो प्रबंध के द्वारा अपने कार्मिकों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग साधन अपनाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहला साधन देखिए इसमें, कई कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना। तो संगठन में जितने भी कार्मिक कार्य करते हैं तो उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उस कार्य में इन्होंने कहाँ तक प्रगति की है इसकी रिपोर्ट प्राप्त करना। तो इस प्रकार से कार्मिकों पर नियंत्रण रखा जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा होता है कि लेखांकन और लेखा परीक्षण करना वित्तीय मामलों पर। तो सरकारी संगठन में जितने भी कार्मिक होते हैं तो जो भी ये वित्तीय कार्य करते हैं तो उससे संबंधित उसका लेखांकन और लेखा परीक्षण किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है निष्पादन मूल्यांकन, मतलब इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो जो भी अधिकारी हैं या जो भी सरकारी संगठन में कार्य करने वाले कार्मिक होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि यह काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आता है सेवा आचरण नियमों के तहत कार्यवाही करना। ठीक है, तो इनके लिए एक संहिता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसके तहत इन्हें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो सरकारी संगठन में जो भी कार्मिक हैं सेवा करते हैं तो इनको सेवा किसके तहत करना है, तो जो आचरण नियमावली होती है या जो आचरण संहिता होती है उसके दायरे में रहकर इन्हें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, उसके खिलाफ जाकर ये कार्य नहीं कर सकते, उसके खिलाफ में कोई सेवा नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है उत्तरदायित्व पर नियंत्रण के अन्य साधन। तो उत्तरदायित्व पर नियंत्रण के कुछ अन्य साधन हैं, तो कौन कौन से साधन है या उपकरण है। तो पहला देखिए इसमें अनुक्रियाशीलता। अब अनुक्रियाशीलता में किस किस को शामिल किया जाता है, तो इसमें जन सहभागिता,
इसके बाद फिर परामर्श, वाद विवाद, सलाहकार निकाय, सार्वजनिक सम्मेलन और बोलने की स्वतंत्रता या भाषण की स्वतंत्रता को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है खुलापन, मतलब पारदर्शिता। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें संसदीय प्रश्नकाल, फिर जन सूचना सेवाएं, फिर सूचना संबंधी कानूनों की स्वतंत्रता, सार्वजनिक सुनवाई, फिर श्वेत पत्र मतलब वार्षिक रिपोर्ट, ये इनको शामिल किया जाता है किसमें, खुलापन में या पारदर्शिता में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इष्टतम संसाधन उपयोग, तो इसमें किसको शामिल किया जाता है, तो इसमें बजट, फिर संसाधन प्रयोग संबंधी नियम, फिर संसदीय लेखा समितियां, लेखा विवरण, सार्वजनिक जांच और सहभागिता, औपचारिक नियोजन प्रणालियां। तो ये इन सभी को किसमें शामिल किया गया है, इष्टतम संसाधन उपयोग में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है दक्षता और प्रभावकारिता में वृद्धि, तो सूचना प्रणालियां, लेखा परीक्षा, उद्देश्यों और मानकों का निर्धारण, कार्यक्रम संबंधी निर्देश, जनता से अनुमोदन संबंधी स्मरण पत्र, ये इन सभी को शामिल किया गया किसमें, दक्षता और प्रभावकारिता में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है निर्णय निर्धारकों की वैधता, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें संविधान, सरकार और निर्णय निर्माता निकायों के लिए चुनाव प्रणालियां, फिर प्रतिनिधित्व की प्रशासकीय प्रणालियां इसमें शामिल की जाती है। तो प्रशासकीय प्रणालियां मतलब नौकरशाही पर आधारित। ठीक है, इसमें जितने भी प्रशासकीय या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में इसमें राजकीय विशेषाधिकार, फिर इसके बाद जो विधायन बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, फिर नियुक्ति पत्र, फिर स्थायी आदेश और सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण, इन सभी को शामिल किया जाता है निर्णय निर्धारकों की वैधता में। फिर इसके बाद में अगला आता है नैतिक आचरण, तो सामाजिक मूल्य, सामाजिक न्याय और जनहित की अवधारणाएं, व्यावसायिक मूल्य, प्रशिक्षण और प्रवेश कार्यक्रम, इन सभी को शामिल किया जाता है किसमें, नैतिक आचरण में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब उत्तरदायित्व में नियंत्रण के कुछ साधन थे जो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, और इसी के साथ उत्तरदायित्व का टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो इस टॉपिक से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नमस्कार।